दोस्तों मेरे सामने एक डायबिटीज के पेशेंट बैठी हैं जिनका शुगर की वजह से वेट काफ़ी घट गया था, 49 किलो से घट के 38 पे आ गया था, वो भी 44 साल की उम्र में। तो लास्ट टाइम आई थी इनको मैंने दवा स्टार्ट किया, कुछ इनको गोली दिया था, पैक लेटर गोली दी मैंने, तो पिछले 3 महीने का वेट वापस 38 से बढ़ के 43 हो गया है। तो अब पहले कैसा फील कर रही हैं आप? पहले से बेटर है। इससे बोलिए आप, इधर 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 फोकस करिएगा, काफी बेटर है पहले से। वेट कुछ बढ़ा पहले से आपका? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उसे क्या अच्छा फील कर रही है उसे? हाँ जी हाँ जी। कुछ खाना सब कुछ खा पी रहे? कैसे वेट बढ़ाया आपने? क्या क्या खाना पीना सही कर लिया ना मैंने? सभी खाती हूँ, बादाम भी खाती हूँ, सुबह खाती हूँ ते शाम को खाती हूँ। 30-40 बादाम रोज खाओ? हाँ जी। खा रहे हो ना? हाँ जी हाँ जी। और क्या खाया आपने? और तो कुछ नहीं, बस खाना ही ठीक किया मैंने, बस खाना ही खाया। देखो बोला कि ढंग से कम से 30-40 रोज बादाम खाओ, ऑलिव ऑयल, सरसों तेल, मूंगफली तेल, फ्लेक्सी ऑयल का पराठा खाओ। अंडे खाते हो? अंडे नहीं, कम ही खाती हूँ मैं। कम से 5-6 अंडे खाओ, स्प्राउट खाओ, न्यूट्रिला खाओ, दाल खूब खाओ, भरपेट खाओ, और अगर शुगर बढ़ेगा तो इंसुलिन बढ़ा लो और खाओ भाई। तो देखो इन्होंने 3 महीने के 5 किलो बढ़ा लिया है, उससे तो पर्सनैलिटी बेटर होती है, एनर्जी बेटर आती है। तो अगर आप डायबिटीज दुबले हो रहे हो तो मेरी ये सलाह रहेगी भाई साहब, दवा चेंज करिए, अगर पैकलोटेजन ऐड करिए, खाना बढ़ाइए, अगर शुगर बढ़ रहा है तो दवा बढ़ा लीजिए, अगर शुगर कंट्रोल गोली से ना हो तो इंसुलिन लीजिए, पर पूरा खाइए, वेट बढ़ाइए, स्वस्थ रहिए, एनर्जेटिक रहिए। बहुत दुबले होने से बॉडी पर्सनैलिटी गिरती गिरती साथ में एनर्जी भी गिरती है, जो कि अच्छी बात नहीं है। सुबह शुगर लो हो जाता है मेरा, तो ऐसे हाथ वगैरह सुन होने लग जाते हैं।